आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम 273 केल्विन टेम्परेचर पर निकालते हैं, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी हम 298 केल्विन टेम्परेचर पर निकालते हैं। इसलिए आईपी की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है ना, 5/2 5/2 RT से ज़्यादा, 3/2 RT या 5/2 RT से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी और ऐड कर लेते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? जब किसी मेटल को हम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो अब मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो अब बच्चा कहेगा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट क्या होती है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट का मतलब होता है जब मेटल का एटम अकेला हो और गैसियस स्टेट में हो, क्योंकि जब हम सॉलिड स्टेट में उसको एनर्जी देंगे तो वो सारी एनर्जी उसको गैस में कन्वर्ट करने में यूज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब जब गैस में आ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो अब उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जब हम मेटल को आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस अकेले एटम को एनर्जी देते हैं, मतलब एंडोथर्मिक होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने इतनी एनर्जी दी, तो इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब एक मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक मेटल अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमने मेटल को आइसोलेटेड में फर्स्ट एनर्जी दी, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो उसके लिए हम जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कराएंगे उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी टू। और जब हम इस टू में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी देंगे उसको कहेंगे बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री। और थ्री में से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर एनर्जी दें तो उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फोर। ऐसे ही 5, 6, 7 हो सकते हैं। अब पॉजिटिव में से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमेशा फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से ज्यादा होगी और थर्ड सेकेंड से ज्यादा होगी और सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा होगी। इसमें हमें कभी भी अकल नहीं लगानी कि किसकी ज्यादा होगी। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि Mg प्लस और Mg प्लस टू में से किसकी Mg और Mg प्लस में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो बच्चे क्या है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में फंस जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो Mg प्लस का कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है, जबकि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन S2 होता है। तो बच्चों को लगता है कि मैग्नीशियम ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं बच्चों, हमेशा फर्स्ट कम होगी सेकेंड से। ओके, अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर जैसे M+ और M+2 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है ना, तो फिर लोअर वाली स्टेबल होगी। मतलब M+ कब स्टेबल होगी? जब +2 और +1 के बीच का डिफरेंस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। लेकिन अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तो फिर +2 ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा बच्चों कि अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगी, और अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तो हायर स्टेबल होगी। तो फिर बच्चा पूछेगा बीच में क्या होगा 11 से 14 के बीच में? तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 11 से 14 के बीच में है तो फिर उस मेटल आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। ओके,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो हम चलते हैं फैक्टर्स की तरफ। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से वैलेंसी सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। और ये वाला फैक्टर ग्रुप में लगता है, तो ग्रुप में साइज बढ़ता है इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती। अब हम चलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की तरफ, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो अंदर वाला सेल होता है, जैसे ये 3D, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है सेम चार्ज की वजह से। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम या ज्यादा हो सकता है, इसको हम स्क्रीनिंग पावर कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है बचाना। तो सबसे अच्छे बचाने की पावर S में होती है, S से कम बचाने की पावर P में होती है, और P से कम D में, और D से कम F में। तो F की स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होती है, और अगर स्क्रीनिंग पावर ज्यादा हुई तो IP कम हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर किसकी? S की। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एकमात्र एग्जाम्पल है स्क्रीनिंग का कि गैलियम और एल्यूमिनियम में से किसका आईपी ज्यादा होगा, जबकि एल्यूमिनियम ग्रुप में ऊपर आता है और गैलियम नीचे आता है। तो साइज के अकॉर्डिंग या साइज वाले कंसेप्ट से ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, पर गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से स्लाइटली ज्यादा होती है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि गैलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही 13th फैमिली के एलिमेंट हैं, तो दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां से जाएगा? दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा पी में से। इसके तो 4p में से जाएगा और इसके 3p में से जाएगा। अब 3p के पीछे देखो कौन से ऑर्बिटल है। तो गैलियम में तो 3d है और एल्यूमिनियम में 3s है। तो बच्चों सबसे अच्छी स्क्रीनिंग पावर किसकी होती है? एस की। तो एल्यूमिनियम का 3s इलेक्ट्रॉन 3p इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा, इसलिए एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और एल्यूमिनियम का 3p इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। जबकि गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर आप देख सकते हैं पुअर होती है। तो 3d इलेक्ट्रॉन इस 4p इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा या ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा, जिससे गैलियम के न्यूक्लियस का चार्ज 4p इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाएगा और गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और बच्चों न्यूक्लियर चार्ज हमेशा पीरियड में ही लगाना चाहिए, ये ग्रुप का कभी भी आंसर होता ही नहीं है। तो पीरियड में क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज करता है। तो जब हम किसी पीरियड में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और आईपी भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बीच में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जिनको मैं इस फैक्टर के बाद एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम देखते हैं। तो हमने न्यूक्लियर चार्ज से बच्चों क्या सीखा? पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की। फोर्थ फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करता है, और वो होता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सब ने छोटी क्लासों में 11th में 12th में सब में पढ़ा है कि P3 P6 D5 D10 F7 F14 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का लास्ट वैलेंसी सेल कौन सा है? 2p3, जो हाफ फिल्ड है, और ऑक्सीजन का 2p4, ठीक है ना, जो हाफ फिल्ड नहीं है। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी
ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल इसका इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस में फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है, इसलिए इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है प्लस स्टेबल कॉन्फिग्रेशन भी होता है। अब हम लास्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं और वो है पेनिट्रेशन पावर। तो अब बच्चा कहेगा पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, तो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है कि आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद 1s फिर 2s फिर 3s फिर 4s। तो जो सेल या सब सेल या ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगी हम कहेंगे उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर बच्चों किसकी होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस की होती है, एस से कम पेनिट्रेशन पावर पी की होती है, पी से कम डी की और सबसे कम एफ की। मतलब अगर ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है और ये 4f है, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, क्यों, 4s न्यूक्लियस के सबसे करीब हो। हम देखते हैं पेनिट्रेशन पावर का एकमात्र अच्छा एग्जाम्पल, ये बेरिलियम है और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2s में, और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p में। अब बच्चों 2s और 2p में से कौन सी सबसेल न्यूक्लियस के करीब होगी, तो बेरिलियम की 2s न्यूक्लियस के करीब होगी, इसलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हायर होगी। रीजन, क्योंकि बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बोरॉन के 2p इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर का ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने डी ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक में डिस्कस किया था, या स्पेसिफिकली एफ ब्लॉक में, कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो लेंथेनाइड का साइज एक्टिनाइड के साइज से बड़ा होता है, फिर भी लेंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती। रीजन क्या, लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन 4f से जाता है और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन 5f से जाता है। तो बच्चों 4 पहले आएगा या 5, क्योंकि 4f न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इसलिए लेंथेनाइड के 4f में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एकदम इजी और आसान मेथड। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो फिर हमको किसी भी फैक्टर की साइज जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पीरियड के हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 8th ग्रुप की होगी, या फिर जिसका कॉन्फिग्रेशन P6 होगा। इसके बाद फिर 7th ग्रुप की होगी, या जिसका कॉन्फिग्रेशन P5 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 7th के बाद 6th आना चाहिए था, लेकिन P5 की P3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि P3 एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है। और फिर 5th ग्रुप या 15th फैमिली, एक ही बात है, फिर P4 आएगा, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। फिर P4 के बाद P2 आ जाएगा या 4th ग्रुप आ जाएगा। अब 4th के बाद बच्चों किसको आना चाहिए था, 4th के बाद आना चाहिए था 3rd ग्रुप को, लेकिन अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है, तो फिर H2 आ जाएगा, और H2 के बाद में फिर P1 आएगा, और सबसे एंड में S1। अब इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी ने इस पीरियड से अपना ग्रुप पीरियड कम कर लिया, मतलब ये 3rd पीरियड के हैं, और कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2nd पीरियड में चला जाए, तो मतलब N-1 हो गया ना, तो अब हम उसको कंसिडरेशन से बाहर निकाल देंगे, और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी विदाउट कंपैरिजन सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इस सीरीज में कौन एक्सेप्शन है, 5th वाला,
यहाँ सिक्स्थ होना चाहिए था लेकिन फिफ्थ ग्रुप आ जाता है, यहां पर थर्ड ग्रुप होना चाहिए था लेकिन सेकेंड ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अब हम इस फैक्टर्स को या इस तरीके इस मेथड से सारे आयोनाइजेशन पोटेंशियल को सॉल्व करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों नियॉन एट्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो एट्थ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। एट्थ के बाद कौन आएगा? सेवन, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब फ्लोरीन के बाद कौन आना चाहिए था? सिक्स्थ, लेकिन फिफ्थ ग्रुप वाले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसके स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इधर आएगा और ऑक्सीजन इधर। अब इसके बाद कौन आएगा? कार्बन। कार्बन किस ग्रुप का है? फोर्थ ग्रुप का। तो फोर्थ के बाद कौन आएगा? सेकंड। हमने देखा सेकंड कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होगी। अब बोरॉन के बाद कौन आएगा? बोरॉन के बाद आएगा फर्स्ट ग्रुप। तो हमने देखा इसमें दो लोगों ने एक्सेप्शन दिखाया और वो दो लोग कौन कौन थे? एक बेरिलियम, ठीक है ना, और दूसरा कौन? नाइट्रोजन। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बेरिलियम को तो हम कर देंगे कहां पे? बोरॉन की जगह, और बोरॉन को कहां कर देंगे? बेरिलियम की जगह, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। ओके, तो हमने एक सॉल्व कर ली। और दूसरा एक्सेप्शन क्या हुआ? दूसरा एक्सेप्शन हुआ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन की जगह तो क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन। और इनकी वैल्यू भी चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31314, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 413। ओके, तो आप देख सकते हैं बैलेंस। तो आप किसने एक्सेप्शन दिखाया? एक तो नाइट्रोजन ने, और किसने दिखाया? बेरिलियम। अब हम इसको यहां अरेंज कर लेते। अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे ज्यादा नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। अब ये कहता है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालो, ठीक है। तो जैसे ही लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, मतलब ये N-1 हो जाएगा। और जब ये N-1 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं लिथियम सबसे आगे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब नियॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब नियॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये एट्थ की बजाय सेवेंथ में आ जाएगा, पर एट्थ का कोई है नहीं तो नियॉन इधर आ जाएगा। अब नियॉन के बाद फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में आ जाएगा? ये सिक्स्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो नियॉन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो मैं इनके ऊपर ग्रुप नंबर लिखता जाता हूं, तो ऑक्सीजन तो फिफ्थ फैमिली का हो जाएगा और फ्लोरीन सिक्स्थ फैमिली का हो जाएगा, क्योंकि सेवन थे ना, तो सेवन से इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? सिक्स। अब इसके बाद नाइट्रोजन फोर्थ फैमिली में आ जाएगा, फिर बेरिलियम, बेरिलियम जो पहले बोरॉन से ज्यादा था, ठीक है ना, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हम एक बार से फिर से इसको डिस्कस करते हैं जो हमने अभी ऊपर किया था। अब हमने देखा, और हमने देखा सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, हमें याद है P6 सबसे ज्यादा, फिर P5 के बाद में P3 एक्सेप्शनल केस है, फिर P4, फिर P2, फिर S2, फिर P1, ये भी एक्सेप्शनल है, दो याद कर ली। अब हमने कॉन्फिगरेशन लिखा तो P6 का ज्यादा होगा P5 से, ठीक है, और P5 का किससे ज्यादा होगा? P3 से, और P3 का किससे ज्यादा होगा? P4 से, P4 का ज्यादा होगा P2 से,
और P2 का ज्यादा होगा H2 से। तो इस तरह आपको कोई फैक्टर नहीं लगाना, और फिर P1, ठीक है ना, और फिर S1। अब हम इन्हीं एलिमेंट की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखेंगे। तो हमने देखा ये जो लिथियम था ये 1s1 सॉरी 2s1 था, लेकिन जैसे ये प्लस में कन्वर्ट हुआ तो लिथियम ने अपना पीरियड चेंज कर लिया। पीरियड चेंज कर लिया तो n-1 का केस हो गया और लिथियम बियॉन्ड कंपैरिजन चला गया, ठीक है। अब नियोन का कॉन्फिगरेशन P5 हो गया, ऑक्सीजन का P3, फ्लोरीन का P4, नाइट्रोजन का P2, बोरॉन का S2, कार्बन का P1। अब हमें याद है सबसे ज्यादा P6 है ही नहीं, P6 के बाद P5, P5 के बाद P3, P3 के बाद P4, P4 के बाद P2, P2 के बाद S2, S2 के बाद P1, P1 के बाद S1। इसका मींस क्या हुआ, आपको अकल लगानी ही नहीं है। आप अगर इसको याद कर लोगे तो आप बिना देखे बिना कोई फैक्टर के ही क्वेश्चन कर सकते हो। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने इस थर्ड पीरियड के क्वेश्चन को डिस्कस, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन P6, P5, P3, S का सल्फर का P4, P2 मैग्नीशियम H2। अब हमें ये याद है सबसे ज़्यादा कौन सा, P6, तो P6 सबसे ज़्यादा, फिर P5, फिर P3, फिर P4, फिर P2, फिर H2, फिर P1, फिर S1, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि जब अब ये 1-1 सेकेंड आईपी का ऑर्डर निकालेंगे तो सेकेंड आईपी का ऑर्डर क्या होगा, हम देख लेते हैं। हमने इसी को लिया और लेकर इधर पेस्ट कर दी। तो हमने जब यहां पर पेस्ट कर दिया IE2 को, तो आप देख सकते हैं सोडियम ने अपना ग्रुप नंबर, ठीक है ना, सोडियम ने अपना पीरियड नंबर बदल लिया है और ये 2P6 हो जाएगा। अब जब पीरियड ही बदल लिया, बाकी सब किसके हैं, थर्ड के, बाकी सब थर्ड के हैं, तो 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन या आईपी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके हेल्प से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, तो अब सबसे ज्यादा तो आईपी सोडियम का हो जाएगा बियॉन्ड कंपैरिजन, क्योंकि इसने अपना पीरियड बदल लिया, ठीक है ना। अब आर्गन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2P3P5, इसलिए इसका इसके बाद आएगा, ठीक है ना। अब क्लोरीन का आ जाएगा, क्लोरीन इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार ही टैब मार लेते हैं, इससे बार बार ये हमको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो हम फिर से देखते हैं, सोडियम ने अपना पीरियड बदल लिया, इसलिए सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी विदाउट कंपैरिजन सबसे सबसे ज्यादा हो गया। ओके, अब हम चलते हैं, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 3P5 हो गया, सल्फर का 3P3 हो गया क्योंकि पहले P4 था, और क्लोरीन का 3P4 हो गया। और हम जानते हैं P3 का कॉन्फ़िगरेशन P4 से ज्यादा होता है। फास्फोरस 3P2 हो गया, जो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये एल्यूमिनियम का 3H2 हो गया, ठीक है, और सिलिकॉन का 3P1 हो गया। तो आप जानते हैं H2 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी P1 से ज्यादा होती है, और सबसे कम मैग्नीशियम का हो, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। एक एलिमेंट है जिसके जिसके 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है। फर्स्ट 10 किलोजूल है, सेकंड वाली 20 किलोजूल है, थर्ड 200, फोर्थ 400 और फिफ्थ 600। अब क्वेश्चन आएगा कि ये किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि हम देखेंगे किस में ज्यादा डिफरेंस आया। तो 10 और 20 के बीच में डबल हो गई, 20 और 200 के बीच में 10 गुना हो गई,
ठीक है, और 200 और 400 के बीच में डबल हो गई है, ठीक है ना, और 400 और 600 के बीच में अप्रॉक्स 1.5 हो गई है। तो बच्चों सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आया है, सबसे ज्यादा डिफरेंस आया 220 और 200, मतलब सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में। इसलिए ये एलिमेंट सेकेंड ग्रुप से रिलेटेड होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस आया है। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इसको हम यही लिख लेते हैं और वैल्यू को कम कर देते हैं। हमने वैल्यू को क्या किया, अब इसमें से हमने 20 को उड़ा दिया, ठीक है ना। अब देखा यहाँ 10 से 200 हो गई, ठीक है ना, और यहाँ 200 से 400 हुई और यहाँ 400 से 600 हुई। तो बच्चों सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में आया, सबसे ज्यादा डिफरेंस आया 10 और 200 के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में। इसलिए इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस, ये टाइटेनियम है, ये थैलियम है और इसके बाद का एलिमेंट है इंडियम, ठीक है ना। थैलियम और इंडियम ये आते हैं 13 फैमिली में। थैलियम नीचे आता है और इंडियम ऊपर आता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज इंडियम का आईपी थैलियम से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन थैलियम का साइज इंडियम से ज़्यादा होता है, क्योंकि थैलियम में 4f या f इलेक्ट्रॉन में फिलिंग हो जाती है, जिससे और f की शील्डिंग पावर बहुत ही पुअर होती है। इसलिए थैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी f की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से इंडियम से ज़्यादा हो जाती है। ये 14th फैमिली या कार्बन फैमिली का मेंबर है। लेड नीचे आता है, टिन ऊपर आता है, तो टिन का आईपी हायर होना चाहिए। लेकिन फिर से यही आंसर इसमें आएगा कि लेड में एफ और डी की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी टिन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो जाती है। अब हम एक क्वेश्चन, तो हम देख रहे हैं या लिथियम और बेरिलियम में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। हमने देखा ये बेरिलियम है और पीरियड में आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, इसलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।